केस नंबर फोर की बात करते हैं। व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन काइंड या इज ब्राउट इन काइंड का मतलब है, कैश में जब आती थी तो हम एक अमाउंट बताते थे कि भाई 20,000 रुपये की गुडविल कैश में आ रही है, लेकिन मैं कहूँ कि उसने अब कैश ना दे करके कोई हमें क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, कितने का, 20,000 रुपये का, कि आपके मतलब का अगर फर्नीचर हो, या एक काम करो, कोई मेरे पास बिल्डिंग है जिसकी कीमत है 2,50,000 की, तुम्हें गुडविल भी उतनी ही चाहिए और मेरे पास बिल्डिंग भी उसी सेम अमाउंट की है, तो हम इन सिचुएशंस को जब नॉन कैश में हो, मतलब ये कि अदर देन कैश हो, तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं इन काइंड। ठीक है, इन काइंड बोलते हैं हम इस सिचुएशन को, मतलब ये कि गुडविल का पैसा जब कैश में ना आकर के किसी अदर एसेट की फॉर्म में आए तो हम उसे क्या कहेंगे कि गुडविल इज ब्राउट इन काइंड बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री वही जो वो एसेट्स लाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, सीधी सी बात है, जो एसेट आएगी, अब वो पर्टिकुलर नाम जो भी होगा वो देखेंगे हम क्वेश्चन में। टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी क्यों लिखा मैंने, मान लेते हैं हम मान करके चल रहे हैं ए और बी दो पार्टनर थे, सी कोई तीसरा पार्टनर है वो, और उसकी गुडविल का पैसे को हम क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहली एंट्री ये आ जाएगी। और सेकंड एंट्री क्या होगी गाइस, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है आपका वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएंगे कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट, जो आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, सीधी सी बात ये तो करते हैं हम, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए और बी हैं। अभी डिपेंड करता है कि ए और बी दोनों हैं, एक हैं या दोनों हैं, वो डिपेंड करता है वो सिचुएशन, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, और वो भी मानकर अगर चले ए और बी दोनों ही हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक की बात है? जी सर। इसके ऊपर अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊं, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 26, ठीक ठाक सा एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, ये काफ़ी बड़ा सा है, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा सा लगेगा आपको समझने में, देखते हैं ज़रा, इंटरेस्ट रखना, पेशेंस रखना, डबल पी रखो, एक तो पैशन रखो और एक पेशेंस रखो, सारे काम हो जाएंगे। क्या रखना है सर दोबारा बताना, डबल पी रखो अपनी लाइफ में, डबल पी, एक का पी का मतलब है पैशन और दूसरे पी का मतलब है पेशेंस। ठीक है, पैशन आपको पता ही है, पेशेंस मतलब धैर्य। ठीक है, धैर्य ज़रूर रखें, वक्त लगेगा हर एक चीज़ में, चीज़ें अगर क्लियर करनी है डिटेल में, एक एक करके बेस मजबूत करके चलना है तो देखो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई जो हैं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, एक्स और वाई जो हैं उनका रेशियो है 3:2 का, और उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिट जेड, जेड को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर, बड़ा अटपटा सा शेयर दिया है भाई, 3/13 शेयर इन्होंने दिया है किसको, कौन है बंदा, जेड को। ठीक है, 3/13 का, और आगे बोल रहे हैं द प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट, न्यू रेशियो विल बी 5:5:3, इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है अभी, न्यू PSR बोला है 5:5:3। ठीक है, आगे बोल रहे हैं वो कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड शेयर फॉर गुडविल, स्टॉक दिया 80,000 रुपये का, डेटर्स दिए 1,20,000 के, लैंड 2,00,000 रुपये की, और प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 रुपये का, ये इसने टोटल एसेट्स दी हुई हैं। कौन कौन सी एसेट्स इसने दिए हैं अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए, एक तो इसने दिया है स्टॉक, कितने का, 80,000 का, उसके बाद बोल रहे हैं ये डेटर्स भी हैं, उन्होंने डेटर्स भी हैं उसके कुछ 1,20,000 रुपये के, बोल दिया कि जो मेरे डेटर्स से पैसा आएगा वो तुम्हारा पैसा, और ज़मीन भी दी है इन्होंने कुछ 2,00,000 रुपये की, उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी भी बोला है, मैं उसे P&M से डिनोट कर देता हूँ, 1,20,000। एक मिनट,
जी 1,20,000 रुपए की क्या थी प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000 रुपए। गुडविल जो फर्म की इन्होंने वैल्यूड करी है, गुडविल ऑफ फर्म बोल रहे हैं 10,40,000 रुपए। ये वो गुडविल नहीं है वो जेड जो लाएगा, ये टोटल फर्म की गुडविल उन्होंने वैल्यूड करी हुई है 10,40,000 की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड्स एडमिशन। अब देखो आपको करना क्या है, पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके आप क्या निकालने वाले हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा, एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स का रेशियो है 3/5 का, वाई की अगर बात करें तो वो है 3/2/5 का। ठीक है, ओल्ड वाला माइनस करेंगे न्यू वाला शेयर, न्यू कितना है इनका 5/13। कैसे पता लगा, ये वाला शेयर इनका न्यू वाला है, 5 और 5 10 और 3 13, तो मतलब 5/13 3/13। ठीक है भाई जी सर, कैलकुलेशन करें तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 65 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा 13 3 39 हो जाएंगे, -5 5 25 हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर 65 आएगा, ये हो जाएगा 13 2 26, इधर 25 हो जाएगा। तो ये ये जो बैलेंस बचेगा, ये बचेगा आपका 14/65, ये बचेगा आपका इतना। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं जी सर। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो आएगा 14:1 का, क्योंकि नीचे भी 65 है, ऊपर भी इधर एक्स के भी डिनोमिनेटर में 65 है और वाई के भी डिनोमिनेटर में 65 है, तो 14:1 का आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो, निकल गया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है सर, एंट्री पास करेंगे, सीधी सी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख करके रख लो, क्योंकि बिना इसके तो कुछ होने वाला है नहीं भाई, 14:1 का। ठीक है, अब एंट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली एंट्री आप बताओ क्या लाओगे। हमने अभी देखा था जितनी भी एसेट्स हैं वो हमारी डेबिट हो जाएंगी। एसेट्स कौन कौन सी हैं मेरे पास, स्टॉक है, डेटर्स है और लैंड है मेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास, उनको आप सबको क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो, है ना भाई, उन्हें सबको हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट आ जाएगी इसमें 80,120,200 रुपीज और ये 1,20,000। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, अब कितनी है कैपिटल ये तो हमें पता ही नहीं, नहीं बताई तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ये एंट्री आएगी, कैसे निकालेंगे, गुडविल के अमाउंट, देखो गुडविल कितनी है 10,40,000 रुपये की, गुडविल कितनी है फर्म की 10,40,000 की, वो अपने हिस्से के अकॉर्डिंगली तो आपको गुडविल देगा 3/13। ठीक है, वो आपको अपने हिस्से के अकॉर्डिंग ही तो गुडविल देगा, देगा या नहीं देगा भाई, सीधी सी बात है, 10,40,000 गुडविल किसकी थी, फर्म की, वो गुडविल को क्या करेगा इसमें, आपको वो देगा 3/13 जो उसका रेशियो है, ये उसका रेशियो है, उस रेशियो के लिए मांग रहा है वो आपसे हिस्सेदारी, तो उतना ही आप क्या मांगोगे उससे, गुडविल का पैसा मांगोगे, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 2,40,000। ठीक है, अब 2,40,000 रुपये इसमें से आप इनका सबका टोटल करो, इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 5,20,000, 5,20,000 रुपये उसने टोटल दिया, 2,40,000 रुपये आपने किसके लिए रोक लिए, गुडविल के लिए। ठीक है, माइनस करेंगे आप कितना आएगा ये आपका 2,80,000 रुपये। तो 2,80,000 रुपये किस में ट्रांसफर कर दोगे आप, कैपिटल में, और 2,40,000 रुपये आपकी हो जाएगी गुडविल। ठीक है, क्योंकि भाई गुडविल फर्म की कितनी थी 10,40,000, 3/13 हिस्सा हम उससे लेंगे, तो 2,40,000 रुपये ये वाली अमाउंट किसकी हो गई, गुडविल की, ये अमाउंट किसकी हो गई, गुडविल की, जो वो ला करके देगा जेड, बाकी टोटल दे कितना रहा है वो 5,20,000 माइनस करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगी ये किसके लिए रोक लेंगे, उसकी कैपिटल के लिए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि कैपिटल का पैसा कितना भी आए लेकिन गुडविल हमें पूरी चाहिए होती है, कैपिटल का पैसा कितना भी आए, 1 रुपया आए या 10,00,000 रुपये आए, लेकिन गुडविल का पैसा हमें टोटल चाहिए होता है, क्योंकि वो हमारी मेहनत का पैसा है, कैपिटल के अकॉर्डिंग तो उनसे हिस्सा देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो एंट्री आएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू एक्स और टू वाइज कैपिटल अकाउंट. अब वो कितना आएगा, 240,000. 14:1 का रेशियो, तो 14/15 तो ये आ जाएगा और 1/15 वो आ जाएगा. मैं बस देख करके लिख रहा हूँ प्रॉफिट से कैलकुलेशन के लिए, आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कराते हैं. 5 केस हैं टोटल, मैं 4 करा चुका हूँ अभी तक, 1 केस बस ये आपका बच रहा है. और ध्यान रखना इस 5 केस में से वो 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और फुल लेंथ में तो आएगा ही आएगा. केस नंबर 5 की बात करते हैं, वो क्या है, एक मिनट में समझ में आएगा. बस मान लेते हैं गुडविल ना पार्टनर को लानी थी कितनी, 10,000 रुपये. लेकिन केस पहला इसमें या तो ये हो सकता है कि वो 10 के 10 ही नहीं ला सकता, असमर्थ है लाने में, या 10,000 में से कुछ अमाउंट, सम अमाउंट कह सकते हैं, या हम इसे बोलते हैं पार्ट. पार्ट मतलब ये कि पार्ट ऑफ गुडविल ला सकते हैं, मतलब ये कि मैं कहूँ अगर 6,000 रुपये वो ला सकता है गुडविल के, बाकी के 4,000 वो नहीं दे सकता. ऐसी कंडीशन आ गई तो ये वाला केस में ये केस उसी पर बेस्ड है, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्राउट इन फुल और पार्ट, इन फुल और पार्ट, जब या तो वो 10 के 10 लाने में ही असमर्थ हो, ना ला सकता हो, इज अनेबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ गुडविल, और अनेबल टू पे द पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, ये तो दे दिए बट बाकी के 4,000 वो नहीं दे पा रहा. तो हम इस केस में बेसिकली करते क्या है, एक चीज़ ध्यान रखो, तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, कैपिटल को माइनस कर देते हैं. मतलब ये मान लेते हैं कि वो 1,00,000 रुपये लेकर के आ रहा था अपनी कैपिटल के लिए, गुडविल के लिए उससे बोला गया 10,000 रुपये लाने को, लेकिन ला सकता है वो सिर्फ 6,000, तो गुडविल के 4,000 हम यहाँ से निकाल लेंगे. कितने बचेंगे, ये 96,000 बचेंगे. लेकिन इसकी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो इतना सीधा साधा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. चलिए तो फिर ये कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है. तो क्या कह रहे हो, एक एंट्री पर फोकस करनी है बस, आपको और कुछ नहीं करना है. देखो एंट्री हम क्या बनाते थे, हम एंट्री बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, करते थे ये एंट्री. बोलो हाँ जी, कॉपी पेन लेके बैठना, कोई फायदा नहीं है वरना फिर मेरी क्लास से अभी चले जाओ. मैं सीधा बोलता हूँ, पढ़ना हो तो आना, बकवास तो यहाँ पे होनी है नहीं बिल्कुल भी, ना मजाक ना हंसी ठट्टे कुछ नहीं होना भाई. सीरियस होके पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना अभी चले जाना, क्लास से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री आती है. टू प्रीमियम फॉर गुडविल आती है एंट्री, ठीक है. मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपये वो देता हमें कैपिटल के लिए, देता वो 10,000 रुपये हमें गुडविल के लिए, लेकिन दिए सिर्फ उसने 6,000 रुपये ही उसको पेड कर पाया. क्या कर पाया, 6,000 ही वो सिर्फ हमें पेड करा पाया. तो 4,000 रुपये के बैलेंस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो बस देखना है हमें. पहली एंट्री ये ले आते थे और दूसरी एंट्री क्या लाते थे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मतलब क्या है इसका, कि जो पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस कराया वो क्या हो जाते थे, क्रेडिट. यही तो करते थे हम, बिल्कुल सीधी सी बात है. अब अगर हम ये कहें आपसे कि मान लो वो 1 मिनट के लिए 10,000 रुपये ही ला रहा है टोटल, तो 1,00,000 रुपये यहाँ, 10,000 यहाँ, और यहाँ पर 1,10,000. यहाँ 10,000 रुपये ले लेते थे आप और यहाँ पर 10,000 रुपये ट्रांसफर करने के बाद, मतलब तो डिवीज़न हो जाएगा वो ए और बी, एक्स और वाई, जो भी ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनके बीच में डिवाइड कर देंगे. लेकिन अब क्या सिचुएशन है, वो 6,000 ला रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 6,000 लिखाओगे. यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 1,06,000 से, क्योंकि वो ला कितना रहा है, 1,00,000 रुपये दे रहा है वो तुम्हें कैपिटल के, 6,000 दे रहा है गुडविल के. तो आप क्या करोगे अब, यहाँ पर ध्यान से समझना इस बात को, 6,000 वो ला रहा है, 6,000 तो उसकी गुडविल क्या बांटोगे,
लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं अगर हम एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई को तो टोटल रुपा कितना चाहिए गुडविल का, 10,000 चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उस न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे उस पैसे को जो बैलेंस 4,000 का है, उसे डेबिट करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 4,000 से, और टोटल 10,000 ही अपने यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये 10,000 ही डिवाइड करने वाले हैं एक्स और वाई, मतलब ये कि जो इनकमिंग या न्यू बंदा आ रहा है उसकी हम कैपिटल घटा देंगे, बट हमें गुडविल का पैसा पूरा चाहिए। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि 6,000 तो आ गए, ठीक है, 4,000 कहाँ से मिलेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, वो ज़रूरी नहीं कैपिटल अकाउंट ही डेबिट हो, आपका करंट अकाउंट भी डेबिट कराने के लिए बोल सकता है कि बाकी बैलेंस को आप करंट अकाउंट में डेबिट करके छोड़ो, ठीक है। या तब ये हमें खुद करना पड़ेगा अगर कैपिटल अकाउंट आपके फॉलो हो रहे हो, किस मेथड से, सोचो किस मेथड से, आया ध्यान नहीं आया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको फिर ये कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यहाँ पर लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो स्क्रीन पर आएगा एक जरा एग्जांपल, ठीक ठाक सा दो एग्जांपल करेंगे हम, समझ में तभी आएगा, जाना कहीं मत, समझना है तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो निकल लो भाई, सीधी बात है। चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं कि व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ये एक्स एंड वाई आर द पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दो बंदे हैं एक्स और वाई, और 3 और 2 के अनुपात में रेशियो में वो डिवाइड करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। दे एग्री टू एडमिट जेड एज द पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, उन्होंने जेड को 1/5 के हिस्से के लिए क्या बोला है, एडमिट करने के लिए बोला है। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3, उन्होंने सैक्रीफाइसिंग रेशियो आपको इस क्वेश्चन में दे दिया, देखो सैक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया कि वो जो एक्वायर करेगा अपने रेशियो को वो करेगा 2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो ये सैक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000 रुपीज, गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल है फर्म की 50,000 रुपीज, ये गुडविल ऑफ फर्म है, ध्यान रखना ये वो गुडविल नहीं है जो वो बंदा लाएगा, ये वो गुडविल है जो फर्म की टोटल वैल्यू हुई है। Z brings in only 60% of his share of goodwill. वो कितनी ला पा रहा है, सिर्फ 60% of his share of goodwill, यानी अपनी goodwill के हिस्से का 60% ही वो दे पा रहा है, 40% नहीं दे पा रहा है। And 2 lakh rupees as his share of capital. Capital के रुपए कितने दे रहा है वो तुम्हें, 2 lakh rupees. Capital के कितने दे रहा है, 2 lakh rupees दे रहा है थ्रू चेक, यानी बैंक को हमें डेबिट करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, मतलब ये इन्होंने दो केस लिए हैं, व्हेन द गुडविल डजंट अपीयर इन द बुक्स, और सेकंड वाला केस है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 20,000, क्या है उसका मतलब वो सेकंड केस में बताऊंगा, पहला वाला बिल्कुल सिंपल है उसकी बात कर लेते हैं। चलो अब हम अगर फर्स्ट की एंट्री की बात करें तो देखो एंट्री तो बड़ी सिंपल सी बात है, बैंक को डेबिट करो 2, आ कौन रहा है, क्या नाम है इस बंदे का, जेड आ रहा है, तो Z की कैपिटल को आप क्रेडिट ले लो, और जितना वो हिस्सा प्रीमियम का दे रहा है वो हिस्सा ले लो उससे, ठीक है, यही तो एंट्री लाओगे। अब देखें अगर कैलकुलेशन की बात करें, गुडविल कितनी है फर्म की, 50,000, उसका हिस्सा कितना है हमने लिखा नहीं तो अब लिख लेते हैं, उसका हिस्सा है 1/5 देगा वो, तो गुडविल का 1/5 देगा वो, तो इसे हम अगर डिवाइड करें तो 10,000 रुपीज़ वो अमाउंट गुडविल की देगा, समझ गए ना मेरी बात को, 10,000 रुपीज़ देगा, लेकिन उसने दिया कितना है 60%, तो उसने दिए कितने 6,000 रुपये, तो बाकी के कितने देगा वो 4,000 रुपये। कैसे करेंगे अब इसे एडजस्ट, देखो कैपिटल के कितने दिए उसने, 2 लाख लिखेंगे आप, ठीक है, गुडविल के कितने दिए उसने 6,000 रुपये, तो आप 6,000 ही लिखने वाले हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, जी 60% दिया है, 2,06,000 रुपये, 2,06,000 रुपये उसने दिए, ठीक है। अब क्या करोगे सेकंड एंट्री में, उन्होंने ये तो बोला ही नहीं था कि कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट से आपको फॉलो करना है, तो आप सीधी बात है कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, मतलब ये मेरा कहने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 6,000 रुपये से,
लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? एक्स और वाई। एक्स और वाई की कैपिटल के लिए तो उन्हें तो आप टोटल कितने से देने वाले हो? हिस्सा 10,000 से डिवाइड करने वाले हो ना, तो वो 4,000 कहाँ से लाओगे? उसकी कैपिटल से। तो आप जेड के कैपिटल को डेबिट करोगे। जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 4,000 रुपये से कर दीजिए। बात खत्म हो गई। 6 और 4 10 हो गए। अब इस 10,000 रुपये को डिवाइड कर दो बिटवीन द 2:3 का रेशियो। तो 2/5 3/5 10/5 2/4 आ जाएगा ये, और ये 6 आ जाएगा। कैसे? 10,000 का 2/5 निकाल लो ना, ये 2,000 आ जाएगा, 2 1 2 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई इसमें खास बात नहीं थी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन था, गुडविल 50,000 की, फर्म की दी हुई थी, फर्म का हिस्सा 50,000 का है टोटल, तो उसका हिस्सा देखेंगे 1.5 10,000 रुपीज़ निकल के आ रहा है। उसने सिर्फ 60% दिया, तो 6,000 रुपये, बाकी बचा 4,000 का बैलेंस। हमने उसे एडजस्ट कैसे करा? बैंक में 2,06,000 रुपये आ गए, 2,06,000 रुपये टोटल मिला करके। 6,000 हमने गुडविल का अलग रखा, 4,000 जो उसने नहीं दिए थे वो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करे। जेड ने जो अब टोटल 10,000 रुपये हमने ले लिए, एक्स और वाई से हमने उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका केस नंबर भी सेकंड बनाता हूँ, ये इसका केस नंबर 1 था, ठीक है। सेकेंड केस क्या बोलता है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 20,000 रुपीज़। तो कोई एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जिस्टिंग गुडविल है फर्म में कितने की? 20,000 रुपये की। और ये तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 चेंज इन PSR चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बताया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल शुड बी रिटेन ऑफ बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ एनी गुडविल। आप किसी भी गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। अब इसे रिटर्न ऑफ करना है आपको, तो सीधी सी बात है, पहले एंट्री रिटर्न ऑफ की आएगी इस वाली एंट्री की, इस वाली गुडविल की, और उसके बाद ये वाली एंट्री आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल एज इट इज ही रखी रहने दो। ये बस सेकेंड नंबर पर ले लेना एंट्री, ये थर्ड नंबर पर ले लेना। फर्स्ट एंट्री आपकी आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? बोलो बोलो जल्दी से। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? सोचो दिमाग में। एक्स डेबिट होगा, वाई डेबिट होगा, खत्म। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जो गुडविल थी वो गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 20,000 रुपये से, ठीक है। अच्छा, डिवीजन करके इनका रेशियो क्या आएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपकी डिवाइड होती है जो एग्जिस्टिंग गुडविल है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 का, तो 3/5 और 2/5 20,000 का 3/5 निकाल लें अगर 4 या 12 12,000 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी उसका आ जाएगा, तो ध्यान रखना। फर्स्ट ये वाली एंट्री आएगी, फिर ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आज यहीं तक की क्लास करते हैं बस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने 5 केस करा दिए हैं। इसमें बस एक केस रह गया है गुडविल का, जो केस नहीं, एक्चुअल में अलग से गुडविल का माजरा है वो, जिसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, और बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इसी में होता है, उसको क्रिएट हो जो होता है कन्फ्यूज़न इसी में होता है। चलिए, थैंक यू गाइस।